के किनारे पे खड़े हैं और यहाँ पे सिकटिया है, ये सिकटिया गांव है और यहाँ पे एक सुलिस गेट है और सुलिस गेट के पास जो है वो बांध पूरी तरीके से, हालांकि बांध तो डैमेज नहीं हुआ है लेकिन यहाँ से ये टूट चुका है और सुलिस गेट की तरफ से होकर उस पार यानी रिहायशी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में ये पानी पूरी तरीके से पार कर रहा है और जो ग्रामीण है यहाँ के ये लोग इसे किसी भी तरह से यहाँ पे चौकी लगाए हुए हैं, वहाँ पे पेड़ लगा हुआ है और इसे घेरने की किसी तरह से कोशिश किया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी बड़ी भीड़ है, इस भीड़ को आप लोग देख रहे हैं और इस तरफ से एक सुलिस गेट है और इस तरफ से जो है ये पानी पूरी तरीके से पार कर रहा है। अगर अति शीघ्र इस पे कार्रवाई नहीं किया गया तो जो पानी है वो पूरी तरीके से रिहायशी क्षेत्र में चला जाएगा और जो रात यानी 6 अक्टूबर से जो पानी है वो पूरी तरीके से बढ़ रहा है। यहाँ पे कुछ लोग ग्रामीण है जो कार्य कर रहे हैं, हम इन लोगों से बातचीत करते हैं। और इधर आइए, क्या नाम हुआ आपका? जी रामा जी सोहानी। कब से ये टूटा हुआ है? ये कल सुबह से पानी बढ़ रहा है जी, उसके बाद से अभी तक 5 बजे से टूटा हुआ है। ये जो सुलिस गेट का जो साइड का बांध है वो फंस गया, वो भी फंस रहा है। हम लोग देखे हैं, हम लोग ग्रामीण जनता इसमें जो सरकारी अधिकारी है वो तो नहीं आए हैं लेकिन कोई कुछ लेकर के नहीं आया है अपना, सब ऐसे आकर के वीडियो बनाते हैं अपना, देखिए कैसे खा रहा है। सारा प्रभारी आया हुआ है लेकिन कोई काम नहीं है उनका, कोई ना ठेकेदार है ना कोई काम कर रहा है। कोई जी नहीं, हम लोग ग्रामीण जनता है, खुद अपने आप हम लोग रुक रहे हैं जी। अब देखिए इसकी हालात ये तो है, तो बड़ा नाजुक हालात हो गया जी, बहुत नाजुक हो गया है। नहीं किया सही से तब तो जी जी कम से कम 12-13 लाख जनता का हम लोग का जो है क्षति पहुँचे। ये उधर से भी बस रहा है, आप लोग देख सकते हैं वहाँ से, आप लोग उधर से हटिए। कोई भी यहाँ पे कंपनी एजेंसी काम नहीं करा रही है जी। जितना भी क्षेत्र के ग्रामीण जनता है सोहानी समाज के जी, वो लोग काम करा रहे हैं। कल शाम को प्रखंड विकास पदाधिकारी का हमारे पास फोन आया था कि बाढ़ हाल हाई अलर्ट पे है जी, जी। हम लोग उनके आदेश पे तत्कालीन प्रभाव से सुबह से 6 बजे से लगे हुए हैं, कल शाम को भी हम लोग लगे थे। उनके लिए वीडियो साहब को धन्यवाद। कोई एजेंसी यहाँ पे नहीं आई, यहाँ पे कोई काम एजेंसी का ग्रामीण है, गाँव के लोग हैं। बात बताइए इसको बांध लिया जाएगा ना? हाँ बांध लिया जाएगा, सामान की व्यवस्था हो, बोरा की व्यवस्था हो तो हम बिल्कुल बांध लेंगे। उधर भर रहे हैं सभी लोग, अगर बोरा हम लोग उधर देख नहीं रहे, यहाँ पे आएगा तो हम लोग निश्चित बांध को बचा लेंगे, बांध को बचा लेंगे। अगर नहीं बच पाया तो इधर क्षेत्र में सारे क्षेत्र में पानी 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 फैल जाएगा, पूरे लोग डूब जाएंगे। चलिए चलिए, यहाँ पे देख रहा है कि जो स्थिति है बड़ा नाजुक है, नाजुक है और बोरा वगैरह तो भरा जा रहा है लेकिन जो ग्रामीण है यहाँ पे जो भी सरकारी कर्मी होते हैं जो गंडक के बांध की सुरक्षा करते हैं वो पूरी तरीके से फेल हुआ रहा है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देखिए कि जिधर से पानी आ रहा है वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे हम लोगों को चलने में और यहाँ पे काफ़ी आपाधापी मची हुई है। यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पे बोरे के बदले में आदमी बैठे हुए हैं ताकि जो धार है, जी जी बोरा नहीं मिल रहा है, जो धार है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से टूट चुका है और रिहायशी यानी उस पार बांध के उस पार जो पानी है यहाँ पे, हम थोड़ा इधर आ जाते हैं। आप लोग, आप सभी लोग को ग्रामीण है? हाँ सब लोग है, सरकारी यहाँ पे कर्मी आया हुआ है, आया है, बोरा वोरा देता है उठा कर, ठेकेदार बोरा वगैरह दे रहे हैं तो आप लोग बांध रहे हैं? बांध रहे हैं। कितने बजे से पानी बह रहा है? ये सुबह से 6 बजे से पानी बह रहा है, 5 बजे से। चलिए इसको आप लोग कंट्रोल कर लेंगे? हाँ जी, चलिए चलिए। तो अभी लोगों का कहना है कि इसको कंट्रोल, बोरा के बदला में यहाँ पे जनता बैठी हुई है, आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ के युवा वाला नहीं है, चला जाएगा बांध टूट जाएगा, सुरक्षा नहीं होगा जी यहाँ पे जी जी। हम यहाँ के पूर्व मुखिया मिथिलेश कुमार सिन्हा हैं, हम लोग सुबह से इसमें लगे हैं, सरकारी कोई अमला फमला नहीं है, नहीं है, आए हैं लेकिन वीडियो तो दिखाई दे रहा है, आए आए हैं कुर्सी लगा कर बैठे, लेकिन कोई एजेंसी काम नहीं कर रही है यहाँ पर। हम लोग ग्रामीण जनता सुबह से खट रही है, कोई व्यवस्था नहीं, हम लोग जहाँ तहाँ से बोरा ला कर यहाँ पर भरवा रहे हैं। अभी स्थिति बहुत नाजुक है, पानी बढ़ रहा है, हाँ पानी तो लगातार बढ़ रहा है, एकदम बहुत
आज सुबह से बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये कंट्रोल कर लिया? हमको तो ऐसा नहीं है कि कंट्रोल होगा। अब व्यवस्था होगा, बोरा वोरा आएगा तो कंट्रोल हो जाएगा, पलेटा आएगा, जेसीबी मशीन आएगा। वहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि वो पूरी तरीके से भस रहा है, दरार हो गया है और वहाँ से वो भस रहा है। अगर उधर से भी भस जाए तो टूट जाएगा, हाँ बांध टूट जाएगा किसी भी तरह से। अब इसको अति शीघ्र, अगर मान लीजिए कि बोरा वगैरह शीघ्र यहाँ पर व्यवस्था किया जाएगा सरकार द्वारा बोरा का, तो हम लोग यहाँ पर बांध देंगे, कोई खतरा नहीं होगा। यहाँ पर बोरा का दिक्कत है जी, मिट्टी भरे वाला बोरा यहाँ पर हम लोग गाछ उछ काट कर गिराए हुए है। यहाँ के सब जनता खट रही है, कोई सरकारी इसमें नहीं है, नहीं है कोई सरकारी नहीं है। चलिए इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई सरकारी नहीं है और जो पानी है वो बड़ा तेजी में बढ़ रहा है। और सबसे डर की बात यहाँ पे ये है कि जो वहाँ से है जो बांध है वो पूरी तरीके से खिसक रहा है। आप लोग वहाँ पे गड्ढा एक देख रहे होंगे, जो गड्ढा है आप लोग वहाँ पे गड्ढा एक देख रहे होंगे, जहाँ पे गड्ढा है वो वहाँ से आप लोग देखेंगे तो गड्ढा दिखाई देगा, उसमें दरार पड़ चुका है। आप देखिए यहाँ पे टीना लगाया जा रहा है, टीना लगाकर इस पानी को रोकने की कोशिश की जा रही है जो यहाँ के आसपास के ग्रामीण है। हालांकि सरकारी कर्मी भी आए हुए हैं और बोरा वगैरह भरने का भी काम चल रहा है, लेकिन पानी जो है वो फिलहाल अभी कंट्रोल नहीं हो रहा है। अब देखिए इसको प्लेटा को भी हटाया गया है शायद दूसरी साइड से, इसको पानी में देखिए कितना गड्ढा वहाँ पर हो चुका है। और इस पानी को रोकने की हालाँकि मुझे लगता है कि ये जो है ये कारगर है, लेकिन अब देखना ये है कि ये पानी का बहाव है कब तक रोक पाते हैं। यहाँ पे सभी लोग ग्रामीण है। मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप जिन लोगों को भी यहाँ पे युद्ध स्तर पे काम करते हुए देख रहे हैं, इसमें से कोई भी सरकारी कर्मी नहीं है, ये सारे लोग ग्रामीण है और ग्रामीणों द्वारा यहाँ पे मेहनत करके बांधा जा रहा है ताकि जो इनका घर है, इनका परिवार है, वो किसी भी तरह से इस पानी के चपेट में ना आ जाए।